फ्रेंड्स, माय टुडेस टॉपिक इज इनटू फंक्शन एंड और ऑनटू फंक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज इनटू फंक्शन एंड व्हाट इज ऑनटू फंक्शन. तो वी आर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. ओके, फर्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इनटू फंक्शन. Okay, the definition of into is a function f of x which is defined from a to b is called into if range of function is subset of b. Okay, we know that f the function is defined from a to b, so a is our domain and b is our codomain. Okay, so the definition is a function f of x is which is f from a to b, where a is domain and b is codomain, is called into if range of function, which is rf, is proper subset of b and b is our codomain. Okay, so when the function is into, whenever we have range of the function is proper subset of the codomain. Okay, uska matlab kya hota hai कि हमारे पास जो रेंज अगर हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो कोडोमेन में से एटलीस्ट एक एलिमेंट बच जाना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर सबसेट होगा. कि यहाँ पे हमने प्रॉपर सबसेट लिया हुआ है. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर दैट इज कोडोमेन कंटेन्स एटलीस्ट वन element which is not present in range. Okay, that is codomain contains at least one element which is not present in range. हमारे पास codomain के अंदर at least एक तो element होना चाहिए जो range के अंदर नहीं है. तो इनटू क्या होगा, जहाँ पे रेंज जो है और जो कोडोमेन है उस उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा. रेंज विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन. ओके, तो ये हुआ हमारा इनटू. ओके, सेकेंड वन इज ऑनटू. ऑनटू क्या होगा, यस द सेम थिंग, एफ विल बी कॉल्ड ऑनटू. एफ विल बी कॉल्ड ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन दोनों एक ही होंगे. ओके, ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन. ओके, रेंज और कोडोमेन जब भी सेम हो, रेंज एंड कोडोमेन व्हेन एवर बोथ आर सेम फॉर द फंक्शन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. ओके, होपफुली ऑल आर गेटिंग इट, कब ऑन टू होगा और कब इन टू होगा. ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. यस फ्रेंड्स, वी हैव फोर एग्जाम्पल्स राइट नाउ. ओके, फर्स्ट वन इज, ओके, ऑल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इन फर्स्ट वन वी हैव सेट ए इज 1 2 3, इन सेट बी इज ए बी सी. सेकेंड वन वी हैव ए इज 1 2 3, बी इज ए बी सी. ओके, इन थर्ड वन ए इज 1 2 3 एंड बी इज ए बी. इन फोर्थ वन ए इज 1 2 एंड बी इज ए बी सी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस फंक्शंस आर इन टू और ऑन टू. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट वन, ओके, वी हैव ए इज 1 2 एंड 3 विच इज अवर डोमेन. ओके, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज ए विच इज 1 2 3. अब हमारा जो डोमेन है, 1 जा रहा है ए के ऊपर, 2 जा रहा है बी के ऊपर, 3 जा रहा है बी के ऊपर. ओके, तो बी क्या है हमारा, कोडोमेन. ओके, बी हो गया कोडोमेन. और हमारी रेंज क्या है, ए एंड बी इज अवर रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ. ओके, तो जो सी है हमारे पास बी के अंदर वो बच गया. ओके,
ए के सारे वैल्यूज जो है वो हर एक के पास जा रही है, वन जो है सिर्फ एक के पास जा रहा है, टू जो है सिर्फ एक के पास जा रहा है, थ्री जो है सिर्फ एक के पास जा रहा है, तो ये फंक्शन तो है। अब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट के अंदर रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। कि अगर प्रॉपर सबसेट है तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज इन टू। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इन टू फंक्शन हो गया। ये जो है फर्स्ट इन टू हो गया। अब हमें जाना है सेकेंड के लिए। सेकेंड के अंदर वन जो है सिर्फ एक के पास जा रहा है, टू सिर्फ एक के पास जा रहा है, थ्री सिर्फ एक के पास जा रहा है, तो ये भी फंक्शन होगा। अब सभी के सभी कोडोमेन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा है डोमेन, बी जो है वो है कोडोमेन। अब हमारी रेंज क्या हो गई, रेंज हमें क्या मिल रहा है, ए बी आंसर मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ हो गया। तो कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो ये फंक्शन क्या होगा, यस द फंक्शन इज ऑन टू। नेक्स्ट वन इज इन थर्ड, द डोमेन इज ए, अगेन कोडोमेन इज बी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, वन जो है सिर्फ एक के पास जा रहा है, टू सिर्फ एक के पास जा रहा है, थ्री भी सिर्फ एक के पास जा रहा है, सभी के सभी सिर्फ एक के पास जा रहा है, तो ये फंक्शन तो बन रहा है। अब हमें चेक करना है कोडोमेन और रेंज। यहाँ पे रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हो रहा है या रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है। यस वी कैन सी दैट रेंज आर एंड कोडोमेन बोथ आर सेम, सो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो थर्ड वन इज ऑल्सो ऑन टू। अब हम जा रहे हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्या है, फोर्थ वन इज ए इज वन टू एंड बी इज ए बी सी। अब हमें चेक करना है ए क्या है हमारा, डोमेन ऑफ एफ, बी है कोडोमेन ऑफ एफ। अब हम चेक करेंगे ए कहाँ पे जा रहा है, वन जो है वो बी के पास जा रहा है, टू जो है वो ए और सी दोनों के पास जा रहा है। देख लिए आप यहाँ पे, ए जो है वो सॉरी टू जो है वो ए और सी दोनों के पास जा रहा है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन में दो एलिमेंट के पास जा रहा है तो वो क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। अगर फंक्शन ही नहीं है तो इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो। ओके, नाउ विल गो फॉर दी फर्दर। वी हैव नोट to find whether a function f of x is into or onto, first find range in the given domain, then compare it with codomain. ये जो हमने यहाँ पे इस examples के अंदर किया वही हमें सारे example में करना है। सबसे पहले अगर हमें पूछा गया है कि function into है या onto, वो check करना है। तो हम कैसे check करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, first find range। रेंज फाइंड करेंगे इन द गिवन डोमेन। गिवन डोमेन में अगर हम रेंज फाइंड करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विथ कोडोमेन। हमें सबसे पहले रेंज फाइंड करनी है इन गिवन डोमेन। डोमेन क्या होगा हमारा, ए। उसके बाद हमें कंपेयर करना है कोडोमेन से। कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा, सपोज फर्स्ट वन इज कोडोमेन is equals to range of the function, codomain equals to range है, हमने रेंज फाइंड की है। हम codomain के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, ऑन टू फंक्शन, और वी कैन से इट सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। सेकेंड वन, अगर रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन आ रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन के अंदर कोई कोई एलिमेंट ऐसे है, एटलीस्ट वन एलिमेंट या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट हमें मिल रहे हैं जो बच रहे हैं, आफ्टर फाइंडिंग द रेंज। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन। वो क्या होगा, इन टू फंक्शन। थर्ड वन क्या हो जाएगा, अब रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो गया। अगर कोडोमेन जो है वो सबसेट हो जाएगा रेंज का, इन गिवन
डोमेन, अगर ये हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, मतलब नॉट अ फंक्शन। हमें पता है फंक्शन जो है ए से बी के ऊपर डिफाइन हुआ है, अगर ए के ऊपर हम कोई भी इमेज फाइंड करते हैं जो बी में मिलने वाली है और बी के अंदर वो है ही नहीं इमेज, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। ओके, तो वी नो दैट दैट कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो वी हैव थ्री रिजल्ट्स। फर्स्ट वन इज इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, देन वी हैव ऑन टू फंक्शन। इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन वी हैव इन टू फंक्शन। इफ कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हियर वी हैव वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ, सॉरी, क्वेश्चन इज एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर। ओके, एफ डिफाइन हुआ है फ्रॉम आर प्लस टू आर, वेर एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, देन फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज इन टू और ऑन टू। ओके, हमें फाइंड करना है जो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये इन टू है या ऑन टू है। ओके, तो सबसे पहले इन सॉल्यूशन वॉट वी हैव, डोमेन ऑफ एफ एंड कोडोमेन ऑफ एफ। अब क्या है हमारा डोमेन और कोडोमेन? ओके, डोमेन क्या हुआ हमारा आर प्लस, कोडोमेन क्या है हमारा आर। ओके, आर प्लस का मतलब क्या होगा, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल के अंदर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वो हो जाएगा हमारा आर प्लस। ओके, अब हमारे पास एक और चीज है, क्या है क्वेश्चन के अंदर, एफ ओफ एक्स। एफ ओफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले डोमेन दिया गया है विच इज आर प्लस, कोडोमेन दिया गया है आर, और फंक्शन जो है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, ये हमें दिया हुआ है, तो और हमें फाइंड करना है इन टू और ऑन टू। तो इससे आगे वाली नोट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे फॉर द गिवन डोमेन। डोमेन के लिए हम रेंज फाइंड करेंगे, और जब रेंज फाइंड हो जाए तो उसके बाद हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ कोडोमेन। अगर हमने कोडोमेन के साथ कंपेयर कर दिया, उसके बाद हमारे पास थ्री है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, तो वो हो जाएगा ऑन टू। इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो वो हो जाएगा इन टू। इफ कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास तो आर प्लस है, तो डोमेन इज आर प्लस और फंक्शन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो हम पहले चेक करेंगे कंटिन्यूस, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, एक्स का हो जाएगा वन, माइनस वन अपॉन एक्स का होगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यू लेंगे फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, जीरो से इन्फिनिटी अगर हम वैल्यू रखेंगे ऑफ एक्स, इफ एक्स गोज टू जीरो। ओके, एक्स अगर जीरो के ऊपर जा रहा है तो हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा। लेकिन जीरो क्या है, ओपन इंटरवल के अंदर है, तो जीरो नहीं होगा। हम जीरो के बाद वन ले लेंगे। इफ एक्स गोज टू वन, तो ये क्या होगा, वन प्लस वन इज टू। अगर टू है तो वन प्लस समथिंग, वन प्लस करके हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो ये हमें वन के आसपास ही कहीं मिलेगा। ओके, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यस, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी तो क्या होगा, एफ एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सभी पॉइंट के लिए, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, सारे एक्स जो डोमेन के अंदर है वो सभी के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन जब इंक्रीजिंग है तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग भी होगा। के वी नो दैट ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होने वाला है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे रेंज के लिए। ओके, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा
ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है. ओके, अब हमारा जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, 0 to infinity. अब हम जाएंगे वापस से फंक्शन के ऊपर, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करनी है रेंज. तो इसके लिए हमें रेंज फाइंड करनी है क्या होगी, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम वापस से फंक्शन के ऊपर जाएंगे. तो फंक्शन के अंदर अगर एक्स जा रहा है 0 के ऊपर, ओके, देन एफ ऑफ एक्स गोज टू कहाँ पे जाएगा, 0 - infinity, तो वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी के ऊपर. ओके, तो हमने फर्स्ट वैल्यू चेक कर ली, वहां पे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी के ऊपर. अगर एक्स जा रहा है इन्फिनिटी तक, ओके, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, अगर एक्स इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो विल हैव द इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो वी हैव 0, विच इज़ इन्फिनिटी माइनस 0, तो ये कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा. तो अगर जब भी हम 0 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डोमेन, ओके, डोमेन की लोएस्ट वैल्यू के ऊपर ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, ओके, हाइएस्ट वैल्यू के ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक, ओके, तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, साथ में इंक्रीजिंग भी है. तो इंक्रीजिंग हमें दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, कंटिन्यूस है, तो वो वहाँ पे रिपीट नहीं होने वाली है वैल्यू, वैल्यू विल बी चेंज विथ द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होती रहेगी. तो रेंज हमारी क्या मिल रही हमें, रेंज इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, अब हम जा रहे हैं कोडोमेन के ऊपर, हमें कंपेयर करना है, रेंज तो हमें मिल गई, रेंज मिली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक. अब हमें रेंज मिल गई है तो हम चेक करेंगे कोडोमेन, और कोडोमेन हमारा क्या था, कोडोमेन इज आर. ओके, आर को अगर हम इसी तरह से सेट में लिखे तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वी ऑल नो दैट. ओके, तो ये जो रेंज है और ये कोडोमेन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ. ओके, तो रेंज और कोडोमेन दोनों एक जैसे हुए तो हमारा आंसर क्या होगा, अवर आंसर इज द फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन वन माइनस, सॉरी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, इज ऑन टू, ऑन टू हुआ, क्यों, क्योंकि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हुआ, हैंस द फंक्शन इज ऑन टू. तो ये हो गया हमारा आंसर. के होपफुली स्टूडेंट्स यू ऑल आर गेटिंग हाउ टू फाइंड द रेंज एंड हाउ टू कंपेयर द कोडोमेन एंड रेंज एंड हाउ to check the function is into or onto. Okay, if still you have any query, you can comment below.